अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मैके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। साथियों, ये गीत आपने खूब सुना होगा, रेडियो पर, टीवी पर अक्सर इस गीत को सुनते होंगे। साथियों, ये सुपर हिट गीत था फिल्म बॉबी से, और बॉबी फिल्म से जुड़े हुए बड़े ही दिलचस्प किस्से हैं। ये फिल्म राज कपूर साहब ने बनाई थी। अब आप कहेंगे कि राज कपूर साहब को, राज कपूर एनिमल फिल्म के अभिनेता रणबीर कपूर के दादाजी, और इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था। साथियों, वो चाहते थे कि ये फिल्म कुछ नया लेकर आए, तो इसमें उन्होंने नए प्रयोग किए। उन्होंने किसी भी जो मार्केट में पहले से ही स्थापित कलाकार था उसको नहीं लिया, क्योंकि वो सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि उस कलाकारी में मेरे बेटे की कलाकारी दब जाए, जैसे कि किसी हिट सिंगर को नहीं लिया। लोग नहीं चाहते थे कि लोग उस फिल्म को मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार के गीतों के लिए जाने, तो उन्होंने एक नए चेहरे यानी कि नए सिंगर को मौका दिया, और वो थे शैलेंद्र जी। बहुत ही अच्छे गीत गाए, मैं शायर तो नहीं, तो एक से एक बढ़कर एक गीत इसमें थे। और इसके साथ एक नया प्रयोग जिसमें एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया, नया चेहरा यानी कि अक्षय कुमार की सास, जी हाँ, यानी राजेश खन्ना की पत्नी। उसके बाद जब ऋषि कपूर ने कहा कि मुझे डांस नहीं आता, तो किसी डांस मास्टर, तो उनका नहीं, अगर कोई डांस मास्टर आएगा वो तुमको नए नए स्टेप सिखाएगा, जैसे जो पुराने स्टेप, जैसे कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कपूर, तो मैं नहीं चाहता कि आप उनको कॉपी करें। तो उनका जो तुम्हें आता हो वो करें। और निश्चित ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई कि आज भी लोग बॉबी फिल्म को याद करते हैं। ये थे कुछ रोचक किस्से इस फिल्म से जुड़े हुए।